हेलो गाइस, मैं हूँ सौरभ व्यास और आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो हमारा आज का नेक्स्ट लेवल है, इसमें भी हम क्रॉस चेक करने वाले बेसिक से। ठीक है, पहले तो मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस कराऊंगा दो चार क्वेश्चनों के, इसके बाद आपके बेसिक स्टार्ट हो जाएगा आज से। तो पहले मैं उसको बेसिक से बताऊँगा, फिर शॉर्टकट से बताऊँगा, जो भी कुछ हो सकता है उन सब चीज़ों से हम इनको देखेंगे। ठीक है, तो मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन अपन देख लेते हैं और उनको पढ़ लेते हैं। ठीक है, मेरे पास स्लाइड आ चुकी है और आप जब क्वेश्चन देख रहे होंगे, ये वीडियो जब आपके पास आएगा तो ऑलरेडी आपको जो ये क्वेश्चन मिलेंगे वो इस साइड लगे होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर तब तक रहेगा जब तक मान लो मैं यहाँ पर करता हूँ क्वेश्चन और मुझे इसके बाद इस एरिया की ज़रूरत पड़ती है तो आपका क्वेश्चन हट जाएगा, अन्यथा आपका यहाँ पर लगा रहेगा। ठीक है, तो आज की क्लास को चालू करते हैं। ठीक है, जैसे मुझे दिया गया है, क्या दिया गया है, x का 20% बराबर है क्या y का 50%। ठीक है, ये बताया गया है, यदि x का मैं 20% लूँ और y का 50% लूँ, क्या बोला गया है, x का यदि मैं इसको बोलूँ 20% ऑफ x, ठीक है, बराबर आता है यदि मैं 50% ऑफ क्या लूँ, बाय लूँ। इसका मतलब क्या होता है, यदि मैं आपको समझाना चाहूँ तो यदि आपको कोई चीज़ है ना, मान लो x और बाय आपके दो प्रोडक्ट रखे हैं, तो यदि आप x का 20% निकाल लो उसमें से और बाय का 50% भाग निकालोगे तो दोनों के ही दोनों हमारे क्या आएंगे, बराबर आएंगे। इसका मतलब केवल और केवल ये है, जब भी इस तरीके का है तो इसमें हमें फाइंड क्या क्या करनी है, दो चीज़ें करनी है। पहले तो क्या पूछा गया है, x बाय का कितना प्रतिशत है, ठीक है, कितना प्रतिशत है, ठीक है, ये पूछा गया है। दूसरा जो हमें वैल्यू करनी है फाइंड, क्या दिया गया है, 3x माइनस वाई, यही है ना, हाँ, और 3x प्लस वाई, ये दो मुझे क्वेश्चन दिए गए हैं जो पूछा है। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देख लेते हैं x और y की वैल्यू कैसे निकालोगे आप। तो ये क्या है भाई, 20% है, तो 20% को किस तरीके से लिखते हैं भाई, 20/100 लिखेंगे, ये चीज़ हम फर्स्ट डे से सीख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आप बोलोगे बिल्कुल आ जाएगा सर। ठीक है, इसके बाद क्या करूँगा मैं, बाय का 50%, और 50% की फ्रैक्शन वैल्यू यदि आपको याद है और 20% की मैंने बताई थी वो यदि याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो बेसिक से चले जाना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो मैंने देखा भाई 20% की कितनी होती है, 1/5 होती है। ठीक है, तो ये कितना होगा, x/5 हो जाएगा। और इसका मैं देखूँ 50% की कितनी होती है, यदि आपको याद हो तो हमारी जो इसकी होती थी वो कितनी होती थी, 1/2 होती थी, तो ये y/2 हो जाएगा। यहाँ तक आपको मे बी कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा तो 2x/5y आएगा। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, अभी तो मैंने हालांकि रेशो चालू नहीं किया है तो मैं आपको ये चीज़ रेशियो में बता दूंगा, अभी बस केवल आप मान लेना कि ऐसा होता है तो होता है। ठीक है, अब क्यों होता है, क्या किया जाता है, वो चीज़ मैं सब आपको रेशियो में बताऊंगा। क्या बता रहा हूँ इसमें कि x की वैल्यू तो ये होगी इसके सामने वाली और y की जो वैल्यू होगी इसके सामने वाली होगी, तो x बराबर मेरा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और y बराबर मेरा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ तक आपको आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब मुझे पहला वाला क्वेश्चन क्या है मेरा, तो आपने देखा पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, x बाय का कितना परसेंट है, तो बाय मेरा कितना आ रहा है, आप देखोगे बाय हमारा 2 आ रहा था। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आई हमारी, यहाँ से y की वैल्यू 2 आ रही है। ठीक है, यदि y की वैल्यू हमारी 2 आ रही है तो बाय हमने रख लिया, कंपैरिजन किससे हो रहा है, x बाय का। मैंने आपको बताया था क्या होता है कि ना, पहले जो स्टार्टिंग में यदि आप कहीं पढ़ें तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, लेकिन जब पहले पहल कोई बच्चा आता है ना तो वो यही डिसाइड नहीं कर पाता कि मैं 5 को नीचे रखूं या 2 को रखूं, तो मैं इस वजह से, और क्या मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूं, तो हो सकता है आपको कुछ चीज़ें अजीब लग रही हो, लेकिन जो नया स्टूडेंट आता है उसको समझ नहीं आता। और मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि यदि आपने कहीं नहीं भी पढ़ा है, मैं तो यही मान के पढ़ा रहा हूँ कि आप कहीं नहीं पढ़े हुए। ठीक है, चलो भाई, तो देखते हैं y की वैल्यू कितनी हमने रख दी, 2 रख दी,
एक्स वाई का कितना परसेंट है? आप कहोगे सर यहाँ पर फाइव आएगा, हमने देखा वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, फाइव आ रही है, और परसेंटेज में वैल्यू चेक करनी है तो इसके लिए कितना आएगा, सो आएगा, दो से इसको काटोगे कितने बार जाएगा, पचास बार, पचम पच्चीस यानी 250 आ गया, ठीक है, ये हो गया। अब मुझे दूसरे वाले की वैल्यू निकालनी है, इसकी कितनी आएगी देख लेते भाई। मैंने देखा 3x क्या है आपका, 3x है, कितना है 3x है, तो इसको देख लेते हैं 3x, तो x बराबर कितना था हमारा, 5 आ रहा था, यहाँ पर रखूँगा तो कितना आ जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बाय है, बाय कितना हमारा 2 है, ठीक। इसके बाद भाई ये कितना दिया गया है मुझे, हाँ तो ये भी कितना जाएगा हमारा, 15 ही आएगा, और 15 प्लस मुझे कितना करना है, 2 करना है, तो आप देखो कि इसमें से ये जाएगा तो 13 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मे बी आपका जो इस सीट में दिया गया है ऑप्शन ए दिया गया, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी, बिल्कुल ही इजी चीज़ें थी, ठीक है। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है देख लेते हैं, ठीक है। मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें मेरे से क्या बोला गया है, 16 सही 2/3%, कितना 16 2/3%, ठीक है, ऑफ एक्स प्लस बाय, ये दिया गया है, बराबर दिया गया है 60% ऑफ x माइनस y के दिया गया है। ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगी, इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हमने ये दोनों की ही वैल्यू देखी है, यदि 60 की में भी मुझे याद आ रहा है कि नहीं बताई थी, तो क्या हो जाएगा, ये 3/5 होती है, ठीक है। इसका लेते हैं कितनी होगी, 1/6, ठीक, और यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, x प्लस y आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। बराबर होता है हमारा कितना, 3/5 इसकी हमने रख दी, तो क्या होगा, x माइनस y आ जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें हमसे पूछना क्या चाह रहा था, सॉरी, तो इसमें जो हमें फाइंड करना है, क्या पूछा गया है, 3x माइनस 2y अपॉन, क्या पूछ रहा है, 3x प्लस y, ठीक है, ये पूछ रहा है, ठीक है, देख लेते हैं। चलो इसको करूंगा, इस साइड इसका मल्टीप्लाई इस साइड होगा, तो 5x प्लस y बराबर 18x माइनस y आएगा आपका, ठीक है। अभी तो देखो मैं इसको पहले बेसिक से बताता हूँ कि इसको पूरा सॉल्व कैसे करना है, बाकी हम डायरेक्ट इसको कैसे करना है ये भी देख लेंगे कि हमें बार बार इस पर काम ना करना पड़े, ठीक है। तो आप देखोगे ये कितना हो गया मेरा, 5x प्लस 5y बराबर 18x माइनस 18y, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है भाई, ये माइनस की टर्म है, इसको इस साइड ले आऊँगा, तो बाय बाय की मिलकर ये भी प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा, तो आप देखो कितना होगा, 23y आएगा। अब ये प्लस का था, इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से 18 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 13x, ठीक है। वाई की वैल्यू ये आएगी, एक्स की वैल्यू ये आएगी। अभी बस मान लो ऐसा होता है, क्यों होता है वो मैं आपको रेशियो में विद प्रूफ बता दूंगा, ठीक। चलो अब हमसे पूछा क्या गया, ये पूछा गया है, तो एक्स बराबर हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, 23 आ गई, ठीक है, और y बराबर मेरी वैल्यू कितनी आ गई है, 13 आ गई है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बस इसी में हमें क्या करना, केवल और केवल वैल्यू पुट करनी है, तो कर देते हैं। बताओ 23 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 69 आएगा, माइनस, ठीक है, 13 दूनी कितना होता है, 26 हो जाता है हमारा, ठीक है, और हाँ और क्या रखना है, हाँ चलो यही रखना है, 69 और माइनस, केवल यहाँ पर याद रखना है ये क्या है, प्लस है, और केवल बाय है,
तो यहाँ पर ये 3 आ जाएगा। चलो भाई 9 में से 6 जाएगा कितना बचा, 3 बचा, इसमें से ये जाएगा तो 40 बचा। और भाई 9 और 3 कितना होता है 12 की 2, ये 2 2 8 आपका जो ये होगा आंसर। तो इसमें क्या दिया गया है, मे बी ये हमारा ए ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में जो मुझे दिया गया है, मैं इसको थोड़ा पढ़ देता हूँ क्योंकि इसमें थ्योरी ज़्यादा है। तो क्या बोला गया है और साइड में आपके स्क्रीन पर आ रहा है, तो आप वीडियो को पॉज करिए और पहले पहला पूरा क्वेश्चन पढ़िए, इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं पढ़ता जाता हूँ और करता जाता हूँ। दिया गया है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 45% ऑफ देयर सम। यदि मैं उनका सम करता हूँ, ठीक है, द रेशियो ऑफ द ग्रेटर नंबर टू द स्मॉलर नंबर विल बी, ठीक है, दो संख्याओं के अंतर उनके योग का 45% है। जो भाई मैंने देखा डिफरेंस दिया गया है, क्या दिया गया है मुझे, डिफरेंस दिया गया है, वो कितना दिया गया है 45% मुझे निकालना है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो भाई, तो दो संख्याओं का अंतर उनके योग का, तो मैंने क्या देखा, ये क्या आएगा आपका डिफरेंस का, ठीक है, बराबर तब होगा जब मैं इनके सम का कितना रखूं 45% रखूं। क्वेश्चन का मतलब बस केवल और केवल इतना है। ठीक है, ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इनका बस मुझसे रेशियो पूछा गया है, रेशियो हम बना देंगे। ये भी आपके बाएं हाथ का खेल है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं, तो आप कहोगे एक्स माइनस वाई बराबर 45 को आप पूरी तरीके से क्या कर दोगे, इस तरीके से करोगे तो x प्लस वाई आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको काट दो तो ये कितने बार जाएगा, 9 बार, ये कितने बार, 20 बार, और 20 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा तो 20x माइनस 20y, या फिर अच्छा मैं लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको नहीं बता पाया, डायरेक्ट निकल गया था। एक चीज़ हमेशा याद रखना है, ठीक है, क्या याद रखनी है हमें, कि जब भी x माइनस y या x प्लस y आ जाए तो इसको ना आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके ज़्यादा इसको सॉल्व नहीं करना है। बस क्या करना है आपको, ये देखें 20x माइनस y बराबर 9x प्लस y, जैसे ही आ जाए ना, तो एक बार तो इन दोनों का सम कर तो वो x की वैल्यू हो जाएगी, और इसमें से एक बार माइनस कर दो तो वो y की वैल्यू हो जाएगी। तो मैंने देखा x और y का रेशियो मुझे चाहिए है, तो प्लस करूँगा तो कितना आएगा, 29 आ जाएगा। ठीक है, और भाई y की चाहिए है तो इसमें से माइनस करोगे तो 11 आ जाएगा। आई होप आपका यही आंसर होगा। ठीक है, जो शायद कौन से ऑप्शन में दिया है, सेकेंड यानी बी ऑप्शन में दिया है पहली बात। और क्या कर सकते हैं इसमें, थोड़ा सा और देखते हैं और क्या करना है। हाँ, यदि मैं बोलता हूँ कि अच्छा एक बार हम इसे बेसिक से भी कर लेते हैं, ऐसा तो नहीं कि कुछ और आंसर आ रहा था, तो आप देख लोगे वही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। माइनस 20y, ठीक है, बराबर 9x प्लस 9y ही होता कि नहीं होता, इसको सर ले जाऊँगा तो भाई मैंने देखा 29y आएगा यहाँ से, और ये इस साइड आएगा तो 11x आएगा, तो x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है। देखो कोई अंतर आ रहा है, x की हमारी यहाँ से भी 29 आ रही है, यहाँ से भी आ रही है, y की मैंने देखा यहाँ से भी, तो देखो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाता है। ठीक है, स्किप करोगे स्टेप को तो भी हमें एक लाइन तो लिखनी पड़ रही है, यहाँ से हम डायरेक्ट देख लिया 20 और 29, 20 में से 9 गया 11। ठीक, आई होप कि ये चीज़ें समझ आई होंगी। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। इफ एक्स इज 6 टाइम्स ऑफ वाई इज लेस देन एक्स इन परसेंटेज इज, ठीक है, यदि एक्स वाई से
16 गुना है, सॉरी 6 गुना है, तो प्रतिशत में x 22 से कम है, कितना प्रतिशत कम है हमें ये बता रहा है। ठीक है, देखते हैं, मुझे जो दिया गया है x और y दिया गया, सबसे पहली चीज़ तो आपको ये समझना है। ठीक है, यदि x 22 से 6 गुना है, किसे, y से, तो इसको यदि मैं एक रखता हूँ तो इसको मुझे कितना रखना पड़ेगा, 6 रखना पड़ेगा। ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, यदि मैंने इसको 1 रखा है तो ये इसका 6 गुना है कि नहीं, कंपैरिजन के लिए x y से, तो हमने इसको जिसमें भी से लिखा है उसको छोटा रखो और उससे जो अधिक है उसको हम बड़ा रख देंगे जितना भी बताया गया। तो हमारे क्वेश्चन में कितना बताया गया था हमें, 6 गुना टाइम्स बताया गया था। ठीक, चलो, तो प्रतिशत में बाय एक्स से कितना कम है, एक्स से कितना कम है, तो हमने देखा भाई ये तो एक्स से कंपैरिजन हो रहा है, तो बाय जो है हमारा एक्स से कितना कम है, एक्स से कितना कम है, यानी एक्स हमारा क्या आएगा, नीचे आएगा, तो वो कितना आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब कितना कम है, तो आप देखोगे कि 5 कम है, तो 5 हमारा कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ठीक, और परसेंटेज के लिए कितना लिखते हैं भाई, 6 लिखते हैं। अब इसको देखो जरा, यदि आपको याद हो 1/6 किसकी वैल्यू होती थी, आप कहोगे सर 16 सही 2/3% की, और हमने मल्टीप्लाई करके सीखा था कि 16 सही 2/3% में यदि मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो वो होती है 83/3% की वैल्यू। तो आपके ऑप्शन में जो दिया गया है कौन सा ऑप्शन है, बी वाला, क्योंकि 83.33 भी इसी की वैल्यू होती है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चनों को। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। ठीक है, पूछा गया है हमसे 37.5 ऑफ 480। ठीक है, 480 का जो मुझे बताना है वो कितना बताना है, 37.5 बताना है प्लस, ठीक है, इसके बाद कितना है 800 का, तो मुझे बताना है कितना, 12.5। ये इनडायरेक्टली प्रैक्टिस के लिए है क्वेश्चन। ठीक है, ये जिसमें आपको थोड़ा सा जो ये वैल्यू वगैरह हमने सीखी थी बार बार उनका क्या हो सके, रिवाइज हो सके। ठीक, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको बार बार तो रिवाइज करनी पड़ेगी। और इसका कितना निकालना है, 33.33%। ठीक है, चल भाई, इसका आपको याद होगा 480 × हमने क्या पढ़ा था, 3/, ये क्या होता है 12.5 से बनता है, और 12.5 की कितनी होती है, 8 होता है, 1/8। ठीक है, प्लस ये क्या है हमारा, 800 है, और 12.5 से ये भी बनता है, तो आप देखोगे 1/8 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, ये कितना है, 300 है, और इसकी कितनी होती है, 1/3 होती है। इससे इसको काटोगे तो 8 × 6 = 48, 60 आ जाएगा, और 6 × 3 कितना हो जाएगा, 180, प्लस इसको इससे काट दोगे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक, माइनस ये कितना आ जाएगा, इससे इसको काटोगे तो 100 आ जाएगा, इससे ये काट दोगे तो कितना बचा हमारा, 180। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी होगी। फिर से देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा क्या लिखा है। एक्सप्रेस 1/3 एज अ परसेंटेज ऑफ 5/9। ठीक है, या फिर 1/3 को 5/9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें। ठीक है, देखो ये कई बार होते हैं ना कि ये किसी टाइप में नहीं आते। ठीक है, तो बच्चा इनको बार बार क्या नहीं करता, रिवाइज नहीं करता, तो कभी उलझुलझुल सी चीज़ें आ जाती, तो यानी है कुछ नहीं ये क्वेश्चन, फिर भी छूट जाते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या बोला। 1/3 किसको करना है भाई, 1/3 को करना है। ठीक है, किससे,
प्रतिशत में लिखना है तो आपसे बोला गया है 5/9 से, परसेंटेज में चाहिए 100 लगा दिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 9/5 इंटू 100, इसको इससे काट दिया 3 बार तो 3/5 अपॉन 100, 5 से काटोगे 2 बार, ठीक है, हाँ अरे 20 बार, ठीक है, 20 दिया 60, तो कौन सा ऑप्शन है इसके हिसाब से, ए ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है, ठीक है, आप अपनी स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, मैं भी पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। क्या बोला गया है, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या अपने आप का 116% हो जाती है, कितना हो जाती भाई, 116% हो जाती है, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताएं, सबसे पहले मैं इसको बेसिक से करता हूँ, ठीक है, कि यदि आपने देखा होगा, ठीक है, एक्स वाली मेथड से यदि किया जाए तो कैसे करेंगे वो देखेंगे, ठीक है, जितने तरीके से हो सकता है मैं सभी से आपको बताऊंगा कि ये मोस्टली कितने तरीकों से हो सकता है। तो मैं यदि बेसिक की बात करूं तो बेसिक में भाई एक्स तो चलता ही है, माना मैं क्या बोल रहा हूं कि माना वह नंबर क्या होगा हमारा, एक्स होगा, ठीक है, यदि ये नंबर मेरा एक्स है तो इसमें कितना ऐड किया गया है, तो आप कहोगे सर 64 ऐड किया गया है, कितना 64 यदि इसमें ऐड किया गया है तो यह नंबर कितना बन जाता है, 16% अपने आप का 116% बन जाता है, यानी मैं कहूँ यदि वो नंबर x था, इसका मतलब तो ये हुआ ना 116% ऑफ क्या हो जाएगा, x ही हुआ होगा, यानी x का ही तो 116% हुआ होगा, आप कहोगे बिल्कुल सर ये 116% x का ही हुआ होगा, यहाँ तक आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। चलो तो अब इसको मैं जब खोलूँगा तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 64 बराबर 116 x अपॉन मेरा 100 आएगा, बस कुछ नहीं किया खोल दिया, आप कहोगे जी सर। अब मैं कह रहा हूँ 64 को तो मैं यहीं रहने देता हूँ और इस x को इस साइड लेके आ गया, तो 116x अपॉन 100 माइनस x आ जाएगा, आप कहोगे बिल्कुल सर 64 बराबर कितना हो गया 116x माइनस 100x अपॉन कितना हो जाएगा 100, ठीक है, 64 बराबर यहाँ से काटोगे तो 16x अपॉन 100 बचेगा, यहाँ से आप एलसीएम लिया तो ये 100 वैसे आ गया, ठीक है, तो 16 चौका कितना होता है भाई 64 होता है और x अपॉन हमारे पास कितना है 100 आ गया। अब मैं इस x का x की वैल्यू चाहिए क्योंकि हमने ओरिजिनल नंबर किसको माना था, x को माना था, तो 100 में इसका मल्टीप्लाई करोगे आप तो x बराबर कितना आएगा 400 आ जाएगा हमारा, ठीक है, ये तो हमारा क्या था बेसिक तरीका था। अब हम देखते हैं दूसरा और क्या तरीका हो सकता है इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है, कि दूसरे और किस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता था। तो मैं बोलता हूँ कि आप क्या करें 100 मानकर भी इसको कर सकते हैं, क्या मान के कर सकते हैं 100 मान के भी कर सकते हैं, ठीक है, तो 100 मान के जब हम करेंगे तो हमने मान लिया कि जो नंबर हमसे पूछा गया है ओरिजिनल नंबर वो क्या है 100 है, ठीक, यदि वो नंबर कितना है 100 है। अब मैं आपसे पूछना चाहूँ कि इस 100 को मुझे 16% बढ़ाना है, कितना 16% बढ़ाना है तो मुझे इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, तो आप कहोगे सर 16 यदि आप कहीं पहले पढ़े हैं तो, और नहीं पढ़े हैं ठीक है तो हम देख लेते हैं भाई 100 को ही तो मुझे कितना बढ़ाना है 16% बढ़ाना है, तो आपने इस परसेंटेज के साइन को हटाया, यहाँ पर क्या लिखा 100 लिखा, 100 से 100 कैंसिल हो गया, आपको पता चला कि 100 का मैं 16% निकाल रहा था तो 16 ही आएगा, 100 का आप 25% निकालोगे तो 25 ही आएगा, 16 का आप 37% निकालिए 37 ही आएगा, 100 का
आप कितना 8% निकालोगे तो वो कितना आएगा, 8 ही आएगा। जितना परसेंट निकालना है उतना ही आता है। और इसी वजह से हम क्या करते हैं कि हर बार किसी भी नंबर को 100 लेते हैं कि ज़्यादा हमें ये कैलकुलेशन में ना फंसे हम, और डायरेक्ट जितना परसेंट पूछा गया उतना ऐड करके लिख देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ जब आई होगा आपको समझ आई होगी, तो मैं क्वेश्चन में आगे बढ़ता हूँ। तो मुझे समझ आया भाई कि यदि वह ओरिजिनल नंबर क्या था, 100 होता, ठीक है, और भाई कोई चीज़ 100 है आपसे मैं पूछ रहा हूँ, और बढ़ के कितना हो गया है, 116% हो गया है। ठीक है, तो मुझे बताया ये 100 बढ़कर 116 कैसे बनेगा। तो आप कहोगे जर सब मैं इसमें 16% ऐड करूँगा तभी तो ये, फिर मुझे 100 में 16 ऐड करना पड़ेगा तभी तो जाके ये चीज़ 116% होगी। मैंने कहा ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में कितना किया है 16 की जगह, तो आप कहोगे 64 किया गया है। तो मुझे यहाँ से समझ आया कि 64 है जो, वो किसकी वैल्यू है, 16 की है। ठीक है, और मुझे निकालना क्या है, ओरिजिनल नंबर हमने किसको माना था, आप कहोगे सर 100 को माना था, तो 100 ये आ गया। तो 16 चौका कितना होता है, 64 होता है, और इसमें इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 400 आ जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अब और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, यहाँ से हमारा तीसरा कर लेते हैं। ठीक है, इतने में आ जाएगा। ठीक है, मैंने देखा तीसरा तरीका हमारा इस क्वेश्चन को करने का क्या हो सकता है, तो आपका फ्रैक्शन हमने जो याद की थी उससे भी कर सकते हैं, लेकिन 16% की फ्रैक्शन हमने एग्जैक्ट वाली नहीं की है, तो मैं बता देता हूँ आपको। 16 की कितनी होती है, 4/25 होती है। कितनी होती है, 4/25 होती है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ ज़रा उसको ध्यान से सुनना यहाँ पर आप लोग। ठीक है, जैसे मैं 10% की भी लिख देता हूँ, 1/10, 25% की लिखता हूँ, 1/4, और 30 की लिख देता हूँ, कितनी, 3/10। ये मैंने 4 फ्रैक्शन वैल्यू लिखी है। मैं जो बोल रहा हूँ थोड़ा सा उसको ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला मैं 25 का 16% निकालूंगा तो वो कितना आता है, 4 आता है। फिर से सुने, यदि मैं 10 का 10% निकालूंगा तो वो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, मैंने बोला मैं 4 का 25% निकालूंगा तो वो कितना आएगा, 1 आएगा। मैंने बोला 10 का यदि मैं 30% निकालूं तो वो कितना आएगा, 3 आएगा। अब आपने देखा होगा कि जब भी कोई नीचे नंबर लिखा है जो डिनोमिनेटर में दिया है उसका उतना ही परसेंट ऊपर लिखा होता है जितना आपको निकालना है। यदि मैंने देखा 25 का 16% पूछा गया है तो वो कितना आएगा, 4 आएगा, और 25 जो डिनोमिनेटर में दिया था वो तो हमारा ओरिजिनल नंबर हो जाएगा, और जो इसका मैं परसेंटेज वैल्यू निकालूंगा तो वो ऊपरी डिनोमिनेटर में आपको दिया होता है। ठीक है, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसी तरीके से सब हो जाएंगे। आप कहोगे बिल्कुल सर। ठीक है, अब हम हमारे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। किसी भी नंबर का आप निकाल, जो डिनोमिनेटर में दिया है 10 का आप 30% निकालोगे तो वो कितना आएगा, 30 ही आएगा। चलो एक बार इसको भी मैं करके बता देता हूँ। मैं छः 25 का कितना निकालना है, 16% निकालना है, तो 16/100 ही होगा। आप कहोगे जी सर, 4 से इसको काटोगे, चार से इसको काटोगे तो ये कितने बार जाएगा, 25 बार, और ये 4 आ गया। देखो यही काटा, 4 बचा कि नहीं। ठीक है, सब चीज़ें करके देख ली भाई कैसा होता है तो क्यों होता है। चलो सॉरी, मैं कह रहा हूँ कि यदि वह नंबर हमने ओरिजिनल नंबर किसको माना कि 25 होता और इसको मुझे 16% बढ़ाना होता तो बढ़ाकर वो कितना होता, आप कहोगे सर 29 बन जाता। यदि 25 होता वो नंबर, या मान लिया 25 है वो नंबर और उसको यदि मैं 16% बढ़ाता हूँ तो 25 से वो 29 होगा। आप कहोगे बिल्कुल सर 25 से 29 हो जाएगा। तो मैं आपसे पूछूं भाई इसमें कितना आपने ऐड किया, तो आप कहोगे सर मैंने तो इसमें 4 ऐड किया। लेकिन अब मुझे बताएं क्वेश्चन में कितना किया गया, तो आप कहोगे सर 64 किया गया है। तो हमने देखा 64 किसकी वैल्यू है, 4 की। मुझे चाहिए किसकी है, 25 की। यहाँ पर 25 क्यों रखा, क्योंकि हमें हमने ओरिजिनल नंबर यहाँ पर 25 माना है। यदि आप देखोगे यहाँ पर ओरिजिनल नंबर 100 माना था, इस वजह से मैंने यहाँ पर 100 रखा था। ठीक है, चलो 4 से इसको काटोगे तो 400 का कितना हो जाएगा, 16 आ जाएगा, और 1625, देखो 25 छक्का 150 का 0, 15 कैरी, 2515, 40।
ठीक है, ये आपने देखा एक क्वेश्चन है, मैंने सबसे पहले आपको इसको बेसिक से बताया, ठीक है, इसके बाद मैंने आपको ये क्वेश्चन किससे बताया भाई, इसके बाद हमने इसको 100 मान के किया, इसके बाद हमने इसको रेशियो से कर सॉरी फ्रैक्शन से कर लिया, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया है, यदि थोड़ा बहुत कुछ भी डाउट है तो मैं अभी एक क्वेश्चन और करने वाला हूँ, तो लाइन साथ में रहें, देखते हैं कैसे हो जाएगा। लेकिन अब पिछली बार से थोड़ी सी स्पीड में करने की बढ़ा दूंगा, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, ठीक है, तो आप पढ़ें उसे वीडियो को पुश करके, और इसके बाद एक बार पहले आप ट्राई क्या करें, क्या होता है यदि आपसे नहीं भी होगा ना, आप दोबारा देखोगे तो चीज़ें और अच्छे से समझ आएंगी, बन जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगा भाई, ठीक है। तो हमने देखा हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, चलो, यदि किसी संख्या में 62 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की 120% हो जाती, तो मूल संख्या बताएं, ठीक है, कितना परसेंट जोड़ा गया है, हमने माना वह नंबर कौन सा था, आप कहोगे एक्स था सर, इसमें कितना जोड़ दिया, 62 जोड़ दिया है, इसके वजह से ये क्या हो जाएगा, 120% हो जाता है, ठीक है। दो इसमें जो है ना लैंग्वेज दो तरीके से यूज होती है, 120% हो जाता है, या फिर बोलेगा 20% इंक्रीज हो जाता है या फिर बढ़ जाता है। भाई कोई भी नंबर यदि मैं एक्स को मान रहा हूँ, एक्स तो अपने आप में क्या होगा 100% होगा, और 20% बढ़ गया तो इसका मतलब वो 120 ही हो गया, तो कैसे बोल सकता है इंक्रीज हुआ, तो बोलेगा 20%, और हो जाता है तो वो डायरेक्ट ही लिख के दे देता है 120%। ये चीज़ आपको समझ आई होगी, ठीक है। अब मैं देखता हूँ इसमें क्या हो जाएगा भाई, तो आप कहोगे सर ये जो आ रहा है 120% ऑफ, हमने भाई माना क्या नंबर है x, तो x ही का हो जाएगा, ठीक है, मैंने कहा भाई चलो इसके बाद क्या कर सकता हूँ मैं, इसको लिखोगे x प्लस 62 बराबर ये 120x अपॉन हमारा 100 आएगा, मैंने कहा बिल्कुल सही, ठीक है, x को साइड लेके आओगे 62 बराबर 120 अपॉन 100x माइनस x आएगा, ठीक है, 62 बराबर 120x माइनस 100x अपॉन 100 आएगा, 62 बराबर आपने देखा कितना 20 होगा अपॉन 100x होगा, इससे इसको काटोगे तो कितना हो गया x अपॉन 5, और ये कितना 62 हो गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 310 आ गया x बराबर। आई होप कि चीज़ें आपको समझ आई होंगी, कुछ नहीं है, मैंने एक एक स्टेप किया, बिल्कुल भी स्किप नहीं किया, ठीक है। चलो अब इसके बाद मुझे क्या करना है ज़रा ये देखते हैं, आपके दिमाग में आएगा सर 100 से करें, ठीक है भाई, मैंने मान लिया वो हमारा नंबर क्या है 100 है, और यदि 100 होता, ठीक है, और इस 100 को मुझे 20% बढ़ाना है, कितना 20% बढ़ाना है, तो आप कहोगे सर अभी हमने पढ़ा था कि 100 यदि हम मानते हैं नंबर और जितना परसेंट बोला जाए उतना ही हम जोड़ देते हैं, तो भाई वो उतना बन जाता है, तो आप कहोगे सर इसमें जैसे ही आप 20 जोड़ोगे तो ये नंबर हमारा क्या बन जाएगा 120 बन जाएगा, ठीक है, 120% बन जाएगा, हमने क्या ऐड किया भाई 20 जोड़ दिया तो ये नंबर 120 आ गया, ठीक है। अब मुझे बताएं लेकिन क्वेश्चन में कितना जोड़ा गया, आप कहोगे 62, ठीक है, तो हमें समझ आया, क्या समझ आया भाई यहाँ से कि जो 62 है हमारा वो की वैल्यू क्या है 20 है, और हमने ओरिजिनल नंबर क्या माना था, आप कहोगे 100 माना था, भाई लो इसको काटो ये भी आ गया 310, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ये हमारा पहला तरीका है भाई, ठीक है, घर पर बैठे हो, पहले बेसिक से करना है, दूसरी बार में इससे करो, और तीसरा तरीका देख लेते हैं आप फ्रैक्शन से कैसे करना है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हमने क्या देखी थी भाई 1/5 होती है, मैं मानता हूँ कि वह नंबर यदि 5 होता, कितना होता 5 होता, ठीक है, और 5 को मुझे 20% बढ़ाना है, तो आप कहोगे सर कितना हो जाएगा 5 से बढ़कर 6 हो जाएगा, ठीक है, हमने कितना नंबर बढ़ाया, तो आप कहोगे सर हमने तो 1 बढ़ाया, बट मैं पूछूं क्वेश्चन में कितना बढ़ाया, आप कहोगे सर 62 बढ़ा दिया, तो 62 जो आ रही है किसकी है 1 की वैल्यू है, चाहिए किसकी है जो हमें निकालना है, क्या चाहिए 5 चाहिए, 62 into 5 करोगे तो 310 ही आएगा,
ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कभी यह प्रॉब्लम ना हो। मैंने आपको बेसिक से ही बताया एक क्वेश्चन, फिर मैंने ये बता दिया, ये बता दिया, ये क्या था कि इस टाइप में जब आपका प्लस किया जाएगा, कभी कभी वो क्या करता है सब्सट्रैक्ट करता है, तो हम वो वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं भाई वो कैसे होगा। फटाफट करते हैं, आपके स्क्रीन पर आ गया होगा क्वेश्चन, तो पढ़ लें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, यदि किसी संख्या का 10% स्वयं से घटा दिया जाए तो वह 5670 हो जाती है, तो मूल संख्या बताएं। अब मुझे क्या करना है, ये फिर से मैं बेसिक से जाऊंगा। यदि कोई संख्या क्या थी, x थी, और इसका 10% घटा दोगे तो मुझे सबसे पहले आप बताएं तो कितना बचता है, बोला गया है 5670 बचता है, यही जानकारी दी गई है, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा क्वेश्चन, आप भी देख सकते हो। ठीक है, तो मुझे ये बताएं, यदि मैं एक्स है तो भाई कोई भी नंबर 100% होता है, अब मैंने उस नंबर की जगह क्या मान लिया, एक्स मान लिया, तो एक्स में से 10% घटेगा, तो आप कहोगे सर 90% ऑफ एक्स आ जाएगा, या क्या बोल दूं एक्स का 90% बचा होगा, आप कहोगे बिल्कुल सर, और इसको क्या लिख के दिया एग्जामिनर ने, 5670 लिख के दिया है। इसको मैं जब सही तरीके से लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 100/x बराबर मैंने देखा 5670। ठीक है, मुझे एक चीज़ बताएं, इससे ये कट जाएगा, ठीक है, या फिर एक मिनट रुको, इसको नहीं काटते, इससे मैंने ये वाला काट दिया, 9 से काटूंगा तो 9 × 6 कितना होता है, 54 होता है, ठीक है, बचा कितना 2, तो 9 × 3 = 27 यहाँ आ गया, तो x अपॉन हमारे पास क्या है 100, और यहाँ पर 63 आ गया, तो x बराबर कितना आ गया, 63 आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको शायद समझ आया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब मैं यदि क्या मान लूँ, 100 मान लूँ, यदि वह नंबर 100 होता और मुझे 10% इसको कम करना है, तो आप कहोगे सर 10 माइनस कर दो इसमें से, तो हमारा नंबर कितना बचता, आप कहोगे सर 90% बचेगा, यदि 100 था, सॉरी, यदि मैंने 100 लिया था और इस 100 को मुझे 10% कम करना है तो 10 माइनस करना पड़ेगा, तो मेरे नंबर कितना बचेगा, आप कहोगे सर 90 बचेगा, लेकिन क्वेश्चन में कितना बच रहा है, तो आप कहोगे 5670 बच रहा है, तो बस मैंने यहीं से तो देखा 5670 ये किसकी वैल्यू भाई 90 की है, मुझे चाहिए क्या है, ओरिजिनल नंबर चाहिए है, तो 100 से मल्टीप्लाई, इससे ये 63 टाइम्स जाएगा, और इसका इसमें कर दोगे तो कितना आएगा, 63 आ जाएगा। ठीक, अब आपके दिमाग में आएगा कि सर इसको हम फ्रैक्शन से कैसे कर सकते हैं, तो ठीक है भाई, फ्रैक्शन से देखते हैं कैसे करोगे आप। ये हो गया एक, ये हो गया दूसरा तरीका, मेरा तीसरा तरीका क्या होगा जरा ये देख लेते हैं। तो भाई हमें फ्रैक्शन याद होनी चाहिए, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू, ये तो अब मौखाग्र आपको याद हो ही गई होगी कि 1/10 होती है। यदि मेरा नंबर कितना होता, 10 होता, और मैं इसको 10% कम करना है, आप कहोगे सर 1 माइनस कर दो, तो नंबर कितना बचेगा मेरा, 9 बचेगा। यदि वो नंबर हमारा कितना था, 10 था, और उसमें से मैं 1 माइनस कर दूंगा तो वो बचेगा कितना, 9। क्यों कर रहे हो भाई, 10 का 10% 1 होता है, लेकिन क्वेश्चन में बताया कितना गया कि कितना बचा है, हमें अब इसकी वैल्यू दी है ना कि इसकी। ठीक है, तो हमने देखा 5670 की दी गई है। ठीक है, तो मुझे बताएं क्या आ रहा है, 5670 किसकी है, 9 की है, चाहिए किसकी है, हमें 10 माना इस बार, तो 10 आएगा यहाँ पर, 9 से इसको काटोगे कितने बार, 63 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 3 और 1 और 1 2 0, आई होप कि चीज़ें आपको समझ आई होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ठीक है, अब इसके आगे हम एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पर बेस्ड, कि यदि आपको, मैं मानता हूँ वैसे तो नई प्रॉब्लम आ रही होगी, फिर भी मैं क्या है कि एक क्वेश्चन को यदि 2 बार देख लिया जाए ना तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक, फिर तो अच्छे से वो क्वेश्चन समझ आ जाता है, जब तक आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया होगा तो आप उसे पढ़ सकते हैं। Yeah.
ठीक है, फटाफट इस क्वेश्चन को भी करते हैं, क्या बोला गया है। पढ़ लिया होगा आपने, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया, वीडियो को पुश करके पढ़ लिया करें, ठीक है। क्या बोला गया है क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 16 सही 2/3% स्वयं से हटा दिया जाए तो 125 हो जाता है, ये था, ठीक है। मैंने देखा 16 सही 2/3% घटा दिया गया है तो वह कितना बचा है, 125 बचा है। अब सॉरी भाई, कोई भी नंबर क्या होता है, 100% होता है, एक्स भी अपना 100% होगा। यदि ये 100% होता और इसमें से मैं 16 सही 2/3% माइनस करूं, तो ऑफलाइन क्लास में मैंने ये रियलाइज़ किया है बच्चों, जैसे ही ये मिक्स्ड फ्रैक्शन आ जाता है ना तो उसमें प्रॉब्लम होती है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको बड़े इजी वे में कोशिश करता हूँ आपको समझाने की कि ये कैसे होता है। यदि मैं इसकी जगह पर अभी 83/3 रख दूँ तो जो नया नया बच्चा आता है उसको काफ़ी चीज़ों को समझ नहीं आता, तो एक बार इसको हम थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं। अब मुझे आप एक चीज़ बताएं इस वाले नंबर को देख के, भाई ये 17 और 16 के बीच में आ रहा है नंबर की नहीं? आप कहोगे सर 16 से तो बड़ा है और 17 से छोटा है, मैं कहूँगा बिल्कुल भाई। तो मैं क्या बोलता हूँ, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं, यदि मैं इसमें से 16 घटाऊँ तो आप देखो जरा ये 84 बचेगा आपका। अभी मैंने कितना छोड़ दिया है जो नहीं घटाया है, 2/3 मेरा अभी बाकी है घटाना, ठीक है, ये याद रखना। मैं यदि 16 घटाता हूँ मेरे भाई तो कितना बचता, 84 बचता, आप कहोगे बिल्कुल। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, इस 84 को दो भागों में, पार्टों में डिवाइड, भाग बांट देता हूँ, तो ये 83 यहाँ आ गया और ये 1, इन दोनों को जोड़ दोगे तो वापस 84 आ जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, इस 1 के साथ इसको माइनस कर रहा हूँ। कहीं और भी आप पढ़े हो गए तो देखा होगा कि टीचर हमेशा क्या करते हैं, 1 - 2/3 कर देते हैं और कहते हैं कि 3 - 2/3, तो उनका बचता कितना है, 1/3। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि भाई देखो 83 क्यों आ रहा है, ठीक है। तो ये टोटल जो बच के आएगा 83/3% बचा होगा। क्या किया मैंने, 16 भाई 100 देखा क्या है, इसमें से 16 घटाया तो बचा 84, मैंने देखा भी 2/3 और घटाना बाकी है तो भाई 83 को अलग किया, इसमें से 1 अलग किया और उस 1 के साथ ये 2/3 मैंने घटा दिया तो बचा कितना, 1/3। तो यहाँ पर हमारा कितना बचा था, 83, और यहाँ से आ गया 1/3, तो हमारा जो हो गया 83/3% हो गया, ठीक है। चाहो तो आप इसको व्यवस्थित देख सकते हो, मैं इसको हटा रहा हूँ और क्वेश्चन पर हम हमारे आगे बढ़ते हैं। चलो, तो मुझे एक चीज समझ आई कि ये नंबर जैसे ही इससे घटेगा तो अब आप कहोगे कि सर 83/3% ऑफ एक्स बचेगा, जो कि मुझे कितना दिया गया है, 125, ठीक है। अब आप देखोगे कि 83/3% की फ्रैक्शन वैल्यू हमने क्या याद की थी, तो आप कहोगे सर 5/6 याद की थी, ठीक है, क्योंकि आपको याद होगा 16 सही 2/3 की कितनी होती है, 1/6 होती है, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 83/3 आ जाएगा। अब मैं इसको देखूं तो ये एक्स साथ में आएगा, इसके बराबर कितना चल रहा है, 125 चल रहा है, ठीक है। 5 से इसको मैं काट दूंगा, कितने बार जाएगा, तो आप कहोगे सर 25 बार जाएगा, ठीक है, और 25 छक्का कितना होता है, 150 हो जाता है, ठीक। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी कि इसको मैंने बेसिक से कैसे किया, ठीक है। अब इसके बाद मैं करता हूँ इसको, ठीक है। तो मैंने देखा भाई दूसरा तरीका, ठीक है भाई, मैंने देखा। अब मुझे क्या होना चाहिए, यहाँ से आपको तुरंत समझ आना चाहिए क्वेश्चन को पढ़कर कि यदि किसी नंबर में से 16 सही 2/3%, ठीक है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, आप कहोगे सर 1/6 होती है। हमने मान लिया ओरिजिनल नंबर वो कितना था, 6 था, और 6 का
16 सही 2/3% निकालते हो तो वो कितना होता है, 1 होता है, यानी 6 में से 1 घटाओगे तो कितना आ रहा होगा, 5 आ रहा होगा। ये चीज़ समझ आ गई, ओरिजिनल नंबर ये था, बचा ये होगा। आप कहोगे बिल्कुल, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हमें कितना दिया है, 125 दिया है। ये किसकी वैल्यू है, 5 की है। मुझे निकालना कौन सा है, आपने किसको ओरिजिनल नंबर माना है, आपने 6 को माना है, तो 5 से काटोगे तो ये 25 बार चला जाएगा, और ये मल्टीप्लाई करोगे 6 से तो कितना आएगा, 150 आएगा। आई होप कि आपको चीज़ें आज समझ आई होंगी, ठीक है। और इसी के साथ मैं इस लेक्चर को यहीं एंड करता हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा शायद ये आज सैटरडे है तो आज ही अपलोड हो जाएगा, तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो अब आएगा मंडे के दिन, ठीक है। संडे को कोई लेक्चर नहीं आएगा, और पहले मैं मॉर्निंग में करता था, अब मैं सोच रहा हूँ कि रात में 8 या 9 के बीच में आ जाएगा, यदि कोई टेक्निकल इशू नहीं होता। जो लास्ट वाला लेक्चर था उसमें थोड़ा सा नेट की प्रॉब्लम आ गई थी, जिस वजह से वो रात के 10:15 बजे तक हुआ था, तो ठीक है। यदि आप रेगुलर हैं तो आपको 8 शाम के 8 या 9 के बीच में मिल जाएगा, यदि कोई टेक्निकल इशू नहीं आता है, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, मेहनत करते रहो, लगे रहो।